बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं एसटीएन और मैं हूं आपका होस्ट एजाज भट्ट। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस में हमारे साथ होंगी बुशरा कमर एडवोकेट, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और एक्स चेयर पर्सन हैं पंजाब बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की। आज हम उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम चूँकि हमारा पहला है उनके साथ, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम उनसे इब्तदाई तालीम से लेकर आज तक के प्रोफेशन के बारे में बात करें, और अगले प्रोग्राम में हम एक नित नए सवालात, ऐसे सवालात जो आवाम के मफाद में हो और कानून कहाँ कहाँ आवाम के इख्तियारात को वज़ा करता है, उसके बारे में जो हैं वो सवालात होंगे। आज हम बात करते हैं बुशरा कमर एडवोकेट से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा भाजी, आज बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ, हम प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं, तो वो उसमें ये है कि हम ये चाहेंगे कि पहला प्रोग्राम हम सीक्वेंस वाइज चलें, एक तरतीब से जाएं, ताकि हमारे सवाल करने का और आपके जवाब देने का देखने वाले नाज़रीन को फ़ायदा हो सके। सबसे पहले हम आपका तारुफ करवाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत से लोग जानते हैं। हम उन लोगों के लिए आपका तारुफ पूछना चाह रहे हैं जो आपकी जाती जो है तारुफ को नहीं जानते, और वो YouTube के हमारे इस चैनल के ज़रिए से आपके बारे में कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जैसे हमें पता है कि कायद अजम मोहम्मद अली जना कराची में पैदा हुए, तो आपकी पैदाइश का ज़िला कौन सा है? जी, मेरी पैदाइश का ज़िला मंडी बहाउद्दीन है। जब मैं पैदा हुई तब गुजरात था, 92 में मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट बन गया। मंडी बहाउद्दीन के साथ एक गांव है सुहावा दिलवाना, वहां मैं पैदा हुई 2 जून 1977 को। तो आपने इब्तदाई तालीम कहां से हासिल? इब्तदाई तालीम मेरी गुजरात से है जी, गुजरात मिशन गर्ल्स हाई स्कूल से मैट्रिक, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन से FSC, और उसके बाद मैं 95 में लाहौर आ गई थी। ग्रेजुएशन मेरी लाहौर से है, और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया। ग्रेजुएशन ऑब्वियसली आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी से होगी, और लॉ भी आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, बतौर एसोसिएट आपने जब लॉ ज्वाइन किया, तो बतौर एसोसिएट किसको ज्वाइन किया? मैं जब प्रोफेशन में फर्स्ट डे आई, तो फर्स्ट डे राणा शकील अहमद खान साहब हैं, सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, मैंने उन्हें ज्वाइन किया। 2 दिन तक मैं उनके साथ रही। 3rd डे आई ज्वाइंड मलिक मोहम्मद सुलेमान साहब, वो भी सेशन कोर्ट में ही बैठते थे, उन्हें मैंने ज्वाइन किया। वो क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिशनर थे, मेरा भी शौक था कि मैं क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करूं, तो मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। और बस उसके बाद इब्तदाई जो वकालत के रमूज हैं वो सीखने का मौका मलिक मोहम्मद सुलेमान साहब से मिला, और उन्हीं की मैं जूनियर हूं। मुझे एक यहां पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करूंगा कि जो बहुत से लोगों के लिए नया होगा। मुझे ये बताएं कि जब आपने जो आप डिग्री पास आउट करने के बाद जब आप जो सिविल कोर्ट का लाइसेंस लेने का जो दौरानिया था, उसमें आपको क्या महसूस हुआ? कभी ये महसूस हुआ कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, या इसमें कोई चेंजिंग महसूस हुई कि मैंने क्या जो है इसकी किसकी चॉइस कर ली है? नहीं, देखिए, मैं जब इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया तो मेरे बड़े ख्वाब थे इस प्रोफेशन के हवाले से, और मैं पैशनेट थी बड़ी अपने प्रोफेशन के हवाले से। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैंने इस प्रोफेशन में अपना नाम बनाना है, नाम कमाना है, और मैंने एक अच्छी वकील जो है वो बनना है, और मेरे पेशे नज़र इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी। सो मैंने सिर्फ इसके लिए एफर्ट की। मेरे सीनियर ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। उनका जो सबसे पहला सबक था वो ही मेरे लिए मशाल रहा था। उन्होंने जिस दिन मैं पहले दिन उनके पास आई, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, उन्होंने मुझे कहा, बी अ मैन। ये प्रोफेशन एक तो ख्वातीन का नहीं था, दूसरे क्रिमिनल साइड पे आई हो तो फिर ये सोच जहन से निकाल के आओ कि तुम एक औरत हो। बी अ मैन, और जैसे कानून में मुलजिम जो है वो औरत या मर्द नहीं होता, सिर्फ मुलजिम होता है, एक्यूज्ड होता है, इसी तरह एडवोकेट ही, शी, मिस, मिसेज नहीं होता, सिर्फ एडवोकेट होता है, तो बी अ मैन। सो उनकी इसी बात को आगे ले के मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया। और मुझे, आप देखें ना, जैसे आप जब किसी भी जगह पे जाते हैं, आपको जब लगन होती है, शौक होता है, कहीं पहुँचने की जस्तजू होती है, तो फिर आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। तो मुझे भी इस प्रोफेशन की चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो गई। पहले भी अच्छी लगती थी जब मैंने इसे ज्वाइन किया था, ख्वाब समझ के आई थी, ताबीर मिली मुझे इसे ज्वाइन करके, तो मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ भी इसमें बुरा नहीं लगा। एसोसिएट आपने सीनियर का कोई ऐसा केस जो आपको आज तक याद हो? हाँ जी, बतौर एसोसिएट मैंने अपने सीनियर के साथ जो पहला केस किया वो एक रेप केस था,
और उसमें मैं हम एंटी टेररिज्म कोर्ट में वो केस चल रहा था, मकबूल बाजवा साहब उस उनकी कोर्ट में हम अपीयर होते थे और उसमें एक्विटल हुई थी ट्रायल कोर्ट से ही। वो केस मुझे इसलिए याद है कि एक तो वो मेरी लाइफ का पहला केस था अपने सीनियर के साथ, दूसरे उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम विक्टम्स भी ज़ाहिर है हमारे सामने थे, हम तो एक्यूज्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे, विक्टम्स भी थे। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे लोग जो है वो मैनिपुलेट करते हैं चीज़ें, कैसे लोग जो है वो फेक करेंसीज बनाते हैं, क्योंकि हमने जाके स्पॉट इंस्पेक्शन भी किया जो कि यूजुअली इन केसेस में नहीं करते, मर्डर केसेस में करते हैं। लेकिन उस केस में भी हम स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए गए, तो उसमें मुझे ये लगा कि जब भी हम कोई केस कर रहे होते हैं तो हमें उसके बारे में सारी मालूमात होनी चाहिए। तो वो चूंकि मेरा टेस्ट केस भी था, मेरा पहला केस था अपने सीनियर के साथ, तो उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और वो मुझे आज तक याद है, और शायद उस कोर्ट को भी मैं आज तक याद हूँ। आपको अपना इंडिपेंडेंट पहला केस कोई अच्छा केस? जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी, मतलब मैं इस हवाले से मैं खुद को लकी समझती हूँ कि मेरी लाइफ का जो पहला इंडिपेंडेंट केस था, मतलब सीनियर से जैसे ही मेरा लाइसेंस हुआ तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा कि आप अपना चैम्बर बना लें, और मैंने इंडिपेंडेंटली जो है वो 2001 मई में स्टार्ट किया। तो जब 2001 में मैंने अपना ऑफिस बनाया तो मेरे पास जो पहला केस आया वो अटैम्प्ट टू मर्डर का आया, 324 का, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन थी। उसमें हमारी तरफ से भी एक इंजर्ड था और मतलब दूसरी साइड से भी इंजर्ड था, हमारे अगेंस्ट FIR होगी, जो हमारा इंजर्ड था वो एट स्पॉट अरेस्ट भी हो गया। तो वो भी मेरे लिए एक बड़ा सीखने वाला केस था, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब उसमें मेरे पास तब हाईकोर्ट का लाइसेंस नहीं था और तब रजिस्ट्रेशन ऑफ केस का डोमेन हाईकोर्ट हुआ करता था, तो उसमें फिर जब पढ़ा तो हम ऑब्वियसली क्लाइंट को ये इम्प्रेशन भी नहीं देना चाहते थे कि हम एलिजिबल नहीं हैं और ये काम नहीं कर सकते। सो उनका क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड करने के लिए जब मैंने पहली बार एप्लीकेशन दी मैजिस्ट्रियल कोर्ट में 156(3) में, तो उसमें मुझे जज साहब ने कहा कि मैडम ये आप क्या लेके आ गई हैं, आप हाईकोर्ट जाएँ। तो मैंने उन्हें कहा सर आप इसमें नोटिस करें, मैं आपको असिस्ट करूँगी, और फिर उन्होंने उसमें ऑर्डर किया, हमारा क्रॉस वर्जन भी रिकॉर्ड हुआ और उसमें मतलब बड़ा रिलीफ हमें मिला। वो ट्रायल भी बाद में मैंने किया, मतलब वो मेरा पहला केस था और वो टेस्ट केस था, और उससे मुझे बड़ी पजीराई मिली कोर्ट्स में भी, और उसकी वजह से मेरे पास बड़ा काम आया, लोग मुझे सुन के आए, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा आर्ग्यू किया। तो मतलब मेरा वो अच्छा केस था, वो भी इब्तदाई केस था, बहुत अच्छा केस था। आपको सियासत में आप आए, लॉ की सियासत में, जब आप सियासत में आए तो कौन सी ऐसी चीज़ आपने महसूस की कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला किया? मेरे गुमान में भी कहीं पॉलिटिक्स नहीं थी और मैं पूरी तरह प्रोफेशन पे फोकस्ड थी और प्रोफेशनल ही रहना चाहती थी। लेकिन मैं जब बात करती थी बिगाड़ की कि ये बिगाड़ है और ये हमारी इदारों की जिम्मेदारी है और इदारों को इसमें दुरुस्तगी करनी चाहिए, तो उसमें लोगों ने, जैसे लोग कहते हैं कि जी आप अगर इदारे में बेहतरी करना चाहते हैं तो आप जैसे प्रोफेशनल लोग क्यों नहीं आते, आप लोगों को दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप अपना हिस्सा क्यों नहीं डालते। इस चीज़ ने जब डिफरेंट जगहों पर डिस्कशन हुई तो इसने मोटिवेट किया, दोस्तों ने मोटिवेट किया कि इलेक्शन लड़ें। तो 2014 में जब इलेक्शन कंटेस्ट किया पंजाब बार काउंसिल के लिए, तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी और इलेक्शन जीत भी गए, और उसके बाद जो है वो पंजाब बार काउंसिल में काम करने का मौका मिला, काफ़ी सारी कमेटीज़ को भी हेड किया, दो मेजर कमेटीज़ को हेड किया, डिसिप्लिन को भी और एग्जेक्टिव को भी। एज ए चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी कोई आपने जो जो कोई काम किए? जी कम्युनिटी के लिए। जी कम्युनिटी के लिए तो देखें अपनी जो लॉयर्स कम्युनिटी है, मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था कि चूंकि मैं खुद प्रोफेशनल लॉयर थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि जो प्रोफेशनलिज्म है हम उसको प्रमोट करें। जैसे आपसे भी हमें गिला रहता है कि आप लोग हमेशा हमारी जो नेगेटिव पिक्चर है उसको पोर्ट्रे करते हैं और हमें हर वक्त बुकलागर्दी और इन चीज़ों में आप हमें उलझाए रखते हैं, हालांकि मैं समझती हूँ कि जो प्रोफेशनल लॉयर है वो इस किस्म की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसमें मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि शायद इसमें हम इदारे इस हवाले से ज़िम्मेदार हैं कि हमने कोई तरबियती इदारे जो हैं वो अपने यंग लॉयर्स के लिए नहीं बनाए हैं। तो मेरा जो फर्स्ट फोकस था वो इस पे था कि हम एक एकेडमी, लॉयर्स एकेडमी का क्याम, और वो मैंने अपने उसमें दौर में किया, लॉयर्स एकेडमी का क्याम जो है वो उसको उसकी हमने इब्तदा की और उसका गैजेट नोटिफिकेशन किया, सरकार से रिक्वेस्ट की कि हमें जैसे जुडिशियल एकेडमी है उसी पैटर्न पे एक लॉयर्स एकेडमी दें ताकि आपका गिला दूर हो और पढ़े लिखे वकलाएँ वो अच्छी असिस्टेंस दें कोर्ट को, पढ़ी लिखी असिस्टेंस दें।
और ये कि चंद जजेस हैं उनके लिए इतनी बड़ी एकेडमी का क्याम जो है वो अमल में लाया गया है, लेकिन हमारे लॉयर्स जो लाख प्लस हैं इस वक्त पंजाब बार काउंसिल के अंडर जो है वो तकरीबन 1.25 लाख के करीब लॉयर्स रजिस्टर्ड हैं, तो उनके लिए कोई तरबियत का नहीं है। इवन पंजाब बार काउंसिल में ऐसे कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे कि जहाँ पे हम अपने उन बच्चों की जो नए आने वाले हैं हम उनकी कोई तरबियत कर सकें, और कोर्ट्स में भी माहौल कोई इतना ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव नहीं है कि बच्चे वहाँ से कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीख सकें, और डे बाय डे हमारा जो ये इदारा है ये डिटीरियोरेट हो रहा है। तो उसके लिए मैंने पंजाब बार काउंसिल के फोरम से बतौर चेयरपर्सन पूरे पंजाब में ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई, जिसमें जो ऑर्डिनरी मैटर्स हैं छोटे जिनसे यंग लॉयर्स आगाज़ करते हैं अपनी वकालत का, उन पे उनकी तरबियती वर्कशॉप्स करवाई, जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं उन पे जाके, जैसे गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, मुल्तान, सरगोधा, फैसलाबाद, तो उसका हमें बड़ा अच्छा आउटपुट आया और बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी। तो अगर मैं दोबारा भी आती तो मैं इस काम को कंटिन्यू रखती, और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है इसमें, जो लॉ कॉलेजेस के हवाले से जो जजमेंट आई थी उसमें भी मैं असिस्ट करती रही कोर्ट को, और उसमें ये जो लैट और लॉ गैट की इंडक्शन थी इसमें भी हमारा कुछ रोल थोड़ा सा है था, ताकि हम अच्छे लॉयर्स को ला सकें और बेहतर कम्युनिटी जो है वो प्रमोट हो, ताकि हमारे ऊपर ये जो इल्ज़ाम आयद होते हैं इनसे हमारी हमें छुटकारा मिले। मैंने लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में हायर एजुकेशन की बहुत तारीफ की जी, उस हवाले से मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो लॉ कॉलेजेस हैं उनके बारे में जो SOPs हैं वो मैक्सिमम देखने में आता है कि जो लॉ कॉलेजेस के ऑनर्स हैं वो उसको पूरा नहीं करते, क्या उस माहौल को इस लेवल पे नहीं बनाना चाहिए कि स्टूडेंट का बाहर जाके इदारे का नाम ले और लोग कहें कि वाकई वो कोई इदारा है। आप देखें, मैं समझती हूँ कि आज भी ये फर्क मौजूद है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का और दीगर लॉ कॉलेजेस का, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं उनका और जो दीगर कॉलेजेस के ग्रेजुएट्स हैं उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं समझती हूँ कि ये इदारे का फ़र्क इसीलिए है कि जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं वो शायद उन तमाम SOPs को फॉलो भी नहीं करते हैं, और जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की वो कम्प्लीट जो है कोड ऑफ कंडक्ट उसमें उन्होंने दिया है इस हवाले से, मैं समझती हूँ उसे फॉलो होना चाहिए। जहाँ तक हायर एजुकेशन कमीशन की बात है तो मेरा आपसे इख्तलाफ है, मैं बिल्कुल उसकी तारीफ नहीं करूंगी इस ज़मन में कि अभी तक वो अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहे हैं। हमारे बहुत से बच्चे डिस्टर्ब हैं इस वजह से कि लॉ गैट का एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपर टाइम पे कंडक्ट नहीं होता, उनका टाइम लैप्स कर रहा है। जो बच्चे 6-6 माह साल साल से लॉ करके बैठे हुए हैं, लॉ गैट ना होने की वजह से वो लाइसेंस हासिल नहीं कर सके, आगे से जाके उन्हें एज का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा अगर वो किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी हायर एजुकेशन कमीशन के कंधों पर है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट में ये अंडरटेकिंग दी थी कि हम ये एग्ज़ाम्स इस तरीके से कंडक्ट कराएंगे, बट दे रिमेंड फेल्ड, और ना वो लैट प्रॉपरली कंडक्ट कर सके हैं और ना ही लॉ गैट प्रॉपरली कंडक्ट कर सके हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन को इसमें बेहतरी लानी चाहिए ताकि हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनका वक्त ज़ाया ना हो। मैंने आपके पॉइंट में डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को पहुँच जाएँ या मुतलका इदारों को पहुँचें। मैंने वैसे हायर एजुकेशन कमीशन की नहीं, मैंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तारीफ की है लास्ट, वो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि बहुत सी जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि माजरत के साथ लोग अपने काला कोट पहन के चले जाते हैं और मुतलका डायरेक्टर्स को भी डराते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स को भी, और अपनी चीज़ें पूरी नहीं करते। और बहुत सारी जगहों पर यह भी देखने को आया कि जो पहन के चले जाते हैं वो वकील भी बेचारे नहीं होते। देखिए, यही बात चलें आपने खुद कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि जो वकील है, जो वाकई वकील है, वो ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता, और जो इल्ज़ामात हम पे लगाए जाते हैं, ये अभी रिसेंटली इस्लामाबाद का वाकया, इससे पहले PIC का वाकया, हमें नहीं पता किन लोगों ने किया है, लेकिन इंसल्ट हमारी हुई है, रिप्यूट हमने खोई है, इज़्ज़त हमारी दाव पे लगी है, तो उसको रिवाइव करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम, ठीक है बेहतरी आई है जो जजमेंट आई है उसके बाद, जो लॉ कॉलेजेस के चलें SOPs नाम निहाद ही सही बने हैं, उनसे बेहतरी आई है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह 4-5 साल के बाद जो स्टाफ आएगा वो स्टाफ ऐसा होगा कि हम कह सकेंगे कि वाकई पढ़ी लिखी कम्यूनिटी जो है वो आती है यहाँ पर।
क्योंकि अब नॉन सीरियस लोगों का इस प्रोफेशन में कोई काम नहीं है। जो लोग इस प्रोफेशन को पार्ट टाइम समझते हैं, मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये प्रोफेशन बिल्कुल पार्ट टाइम नहीं है, ये फुल टाइम प्रोफेशन है, ये बड़ा रिवार्डिंग प्रोफेशन है। वकील होना अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफ्त है, अल्लाह ताला ने अपना नायब चुना है आपको यहाँ पर, आपको लोगों का मददगार बनाया है। तो इस प्रोफेशन के तकाजे और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वकला के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा है। और मैं समझती हूँ कि अगर हम इन सारे तकाजों को समझते हुए इस प्रोफेशन को ज्वाइन करेंगे कि हमें बतौर नायब और बतौर मददगार भेजा गया है लोगों के लिए, तो हम बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं समझती हूँ कि जो जजमेंट आई है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं इंशाल्लाह हमारे प्रोफेशन पर ज़रूर आएंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, तारुफ हो गया। अब मैडम से ये पूछेंगे कि जो कवानीन है, चंद एक कवानीन जो बेसिक कवानीन है, उनमें अवाम के इख्तियारात क्या हैं और उन पे फैसले जो हैं वो क्या जारी किए जाते हैं और क्या किए जाने चाहिए और उसके फैक्ट एंड फिगर्स क्या हो। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम बात करेंगे दोबारा से हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा कमर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब बंदा वकालत के लिए जाता है तो नंबर ऑफ़ केसेस होते हैं जो आपने हाई कोर्ट में आपने उसमें अप्लाई करना है, उसमें आपने अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, उस बेसिस पे आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो बहुत वसी तजर्बा है इनका, इनसे बात करते हैं। ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हम इनसे बात कर चुके हैं, अब इनसे दोबारा बात करेंगे कुछ ऐसे कवानीन जो आज डिस्कस कर सकें। आपको मज़ीद प्रोग्रामों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको आपका इख्तियार बताएंगी। तो आपको किसी के साथ भी डील करने में, किसी भी के साथ भी बात करने में, किसी कानून के बारे में मालूमात हासिल करने में हमारे प्रोग्राम में आपको आसानी होगी और आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। जी हम आपसे बात कर रहे थे इससे पहले आपकी इब्तदाई ज़िंदगी और सियासत के बारे में भी हमने बात की। अब हम चाहेंगे कि आवाम को, ये प्रोग्राम देखने वालों को कुछ ना कुछ ऐसी अवेयरनेस मिले कि जो उसने हमारे प्रोग्राम पर टाइम लगाया, क्योंकि टाइम इज़ मनी, तो उसको उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हम चाहते हैं इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम हो आपके, जैसे आप ये, मैं ये इसको हम अपना थीम नहीं कहेंगे, हम इसको आपका थीम कहेंगे कि जैसे आप चाहती हैं कि खिदमत खलक किया जाए और प्रोफेशनली लोगों को डील किया जाए। तो एक बड़ी कॉमन अफेंस चलती है जिसको लोग पंजाबी में कच्ची डकैती भी कहते हैं, तो वो उसमें 452 और 354 जो है ऑफेंस, 452 354, उसके बारे में आप हमें आवाम को, ये हम आपके थ्रू बताना चाहेंगे, आपसे ये इल्म लेना चाहते हैं कि वो ऑफेंस असल में है क्या और उसका फ़ायदा और नुकसान क्या होता है। देखें जो 354 PPC है, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि कोई भी हम पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं तो पब्लिक के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट हो, यानी अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है, तो वो इमीडिएटली 15 आपके पास मौजूद है, आप 15 पे कॉल करें, पुलिस को अप्रोच करें। अगर वहाँ पे आपकी दादरसी नहीं होती तो आप इन राइटिंग एक एप्लीकेशन दें अपने कंसर्न्ड अक्रेंस के बारे में, कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को अपनी ग्रीवेंस लिख के कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है और हमारी दादरसी की जाए। और ये प्रॉम्प्ट होना चाहिए, जितना प्रॉम्प्ट होगा उतने ही आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। और आप मुलजमान को, अगर आप कंप्लेनेंट हैं, तो मुलजमान तक आसानी से पहुंच भी सकेंगे और उन्हें उनके उस तक भी कैफरे किरदार तक भी पहुंचा सकेंगे। 354 की आपने बात की, 354 जो ऑफेंस है ये है रिगार्डिंग चेस्टिटी ऑफ अ विमन, यानी एक औरत जो है वो इल्ज़ाम लगाती है किसी शख्स के ऊपर कि इसने मुझे गाली दी है, मुझे अब्यूज़ किया है, या इसने मेरे साथ, मेरी इज़्ज़त को इसने नुकसान पहुंचाया है। अब उसमें गाली गलोच और दस्त दराजी जो है सिंपल, वो 354 की डेफिनेशन में आ जाएगी। लेकिन अगर खुदा न हास्ता ये उससे बढ़ जाता है और उसको बरहना करने की कोशिश की जाती है, तो फिर इस ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ जाएगी, वो 354A हो जाएगा। अब 354 जो है उसकी सजा 2 साल है और वो बेलेबल है, जिसमें खातून को अब्यूज़ करना, गाली गलोच करना और उसकी चेस्टिटी को वैसे हिट करना है। लेकिन अगर उसको बरहना करने की कोशिश की जाती है तो इसकी सजा 10 साल से ज़्यादा है और उसमें अफेंस जो है वो ग्रीवस हो जाता है। मैं इस यहाँ से, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं आपसे यहाँ ये पूछना चाहता हूँ
कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो कितने साल सजा हो तो नॉन बेलेबल होती है कम से कम? इसमें ये है कि जो एक हमारी जजमेंट है NLR 2000 ST1 एक जजमेंट आई थी, उसमें उन्होंने कहा कि 3 साल की सजाओं वाले जराइम अगर स्पेसिफिकली नॉन बेलेबल नहीं है तो वो बेलेबल कंसिडर होंगे। जैसे 489F है उसकी सजा तो 3 साल है लेकिन वो नॉन बेलेबल है, लेकिन रूटीन में जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी सजा 3 साल या 3 साल से कम है वो यूजुअली नॉन बेलेबल हैं, लेकिन 2 साल तक नॉन बेलेबल हैं। अब ये जो जैसे 354 है इसकी सजा 2 साल है तो ये भी बेलेबल ऑफेंस है। इसके साथ आपने बात की 452 की, 452 है हाउस ट्रेसपास फॉर प्रेपरेशन आफ्टर प्रेपरेशन फॉर कमिटिंग हर्ट, यानी आप किसी के घर में आर्म्ड दाखिल होते हैं और आप उनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कोई जरब नीयत से, जी उस नीयत से जब आप जाते हैं, जाहिर है जब आप आर्म्ड हैं इंटेंशन हमने आपके आर्म्ड होने से गैदर की कि अगर आप मुसल्ला हो के किसी के घर पे हमला आवर हुए हैं, आपने उसका दरवाजा तोड़ा है, आप उसका दरवाजा तोड़ के उसके घर के अंदर चले गए हैं तो इट मींस कि आपने आप हाउस ट्रेसपास के मुर्तकिब हो गए हैं। अब उसके बाद अगर वो जख्मी हुआ है तो उसकी दफात सेपरेट आ जाएंगी और बाकी जो है ये 452 मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, 452 की हम बात कर रहे थे तो 452 पे आपने हमें कुछ बताया, लेकिन आप मैं चाहता हूँ कि इस पे डिटेल से बताएं ताकि सुनने वालों के लिए फ़ायदा हो। डिटेल से देखें, ये है कि एक तो ये ऐसा ऑफेंस है कि जो बहुत सारे बेलेबल ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल करने के लिए साथ मिला लिया जाता है, तो ये 452 एक तो कुछ लोगों के साथ तो वाकई में हकीकतन अक्रेंस होता है तो वो इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमने बहुत मैं बीइंग लॉयर बीइंग क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिनमें सब्सिक्वेंटली 452 डिलीट हुई, जिसमें सब्सिक्वेंटली आया कि ये लोग तो घर के अंदर दाखिल ही नहीं हुए और इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐड किया गया कि जो ज़रबात थी मामूली जो रगड़ें वगैरह आई थी उनसे कोई चूंकि नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं बनता था तो इसको कॉग्निजेबल करने के लिए 452 को साथ मिला लिया गया। तो इसमें थोड़ी सी जो है वो फ्रिवोलस लिटिगेशन जो है वो भी पाई जाती है, 452 का इस्तेमाल नेगेटिवली भी किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ हकीकतन भी वाकयात होते हैं तो वो उस काम के लिए जो है वो पुलिस इंक्वायरी मौजूद है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन। 452 बेलेबल है या नॉन बेलेबल है? जी उसकी सजा 7 साल है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है और 7 ईयर्स उसकी पनिशमेंट। तो ये आपकी बात से हमें ये अंदाजा हुआ कि ये वो ऑफेंस है जो अपने मफाद के लिए भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल, जी बिल्कुल होता है मेरी प्रैक्टिस में जो मैंने देखा कि इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मामूली सा लड़ाई झगड़ा हो गया किसी का गली में, कोई हल्की सी खराश आ गई, उसका जो मेडिकल आया वो ऐसा आया जैसे 337L2 का आ गया कि जी ये सिंपल लेसरिएशंस हैं और ये बेलेबल ऑफेंस है। अब उस पे जो शज्जाए खफीफा है वो नॉन कॉग्निजेबल बाय पुलिस है, तो उसको कॉग्निजेबल करने के लिए उन लोगों को ही कि जी ये घर के अंदर घुस आए और इन्होंने घर के अंदर आके ये ज़रब कास की तो वो 452 लग गया, तो FIR भी हो गई और नॉन अवेलेबल भी हो गया। इसको इस पैटर्न पे इस्तेमाल किया जाता है जो मैं समझती हूँ कि गलत है, और खोसा साहब की जो जजमेंट आई थी एक्विटल के हवाले से वो उसको मैं ज़रूर यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, जिसमें फालसा सिनोम नायबास का प्रिंसिपल जो है उसको पाकिस्तान में पहले एप्लीकेबल नहीं था लेकिन खोसा साहब की उस जजमेंट के बाद आया कि अगर एक विटनेस जो है वो एक मुलजिम की हद तक झूठा करार पाएगा तो बाकियों की हद तक भी झूठा करार पाएगा और उस पर एक्विटल हो और कंप्लेनेंट के अगेंस्ट प्रोसीड किया जाए। तो वो उसकी रूह से अगर आप देखें तो उसमें पूरा हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो चेंज हो गया है अब इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो में। तो इसमें सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी मैं पब्लिक को व्यूवर्स को कि अगर एक बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है तो अगर आप उसे ही इन्वॉल्व करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात भी आपकी मददगार होगी और उस बंदे को सजा भी मिलेगी, लेकिन अगर आप एक बंदे ने जुर्म किया है और उसके साथ 10 बंदों को आपने सहूलतकार बना के एक केस में इन्वॉल्व कर दिया है तो वो सहूलतकारों की एक्विटल जो है वो मेन अक्यूज्ड की एक्विटल का भी बायस बनेगी जिससे आपका पूरा केस जो है वो स्मैश हो जाएगा और फिर आप ये कहते फिरेंगे कि इस मुआशरे में इंसाफ नहीं मिलता। तो जब आप इंसाफ के तलबगार हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप खुद भी अल्लाह ताला ने जो इंसाफ की हदूदों की मुकरर की हैं जिसमें आपको सच बोलने का कहा गया है तो आप भी सिर्फ उसी बंदे को इन्वॉल्व करें जिसने आपके साथ ज्यादती की है, उसके पूरे खानदान को ना करें। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो पुलिस के साथ कोई बंदा बदतमीजी करता है जी तो पुलिस के पास एक इख्तियार है कार्य सरकार में मुदाखलत जी 186 PPC 186 जी
तो वो उस पर लगाना आसान है। तो अगर कोई पुलिस वाला किसी शहरी के साथ बदतमीजी करता है या अपने इख्तियारात को तजावज करता है, वैसे नॉर्मली तो पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, नहीं होता है नॉर्मली। मैं आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वैसे तो नॉर्मली तो एक आम आदमी जिसको कानून का नहीं पता, तो वो पुलिस स्टेशन की हद तक वो अपने हिस्से की वो मैं ये कहूँगा तजहीक लेके वापस आ जाता है। लेकिन कानून इसके बारे में क्या कहता है? कानून देखें 155C जो है वो प्रोविजन मौजूद है, और पुलिस ऑफिसर जहाँ पे अपने अख्तियारात से तजावुज करेगा तो सीनियर ऑफिशल्स के पास अख्तियार है कि वो उसके अगेंस्ट FIR भी दे सकते हैं, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंटली भी प्रोसीड हो सकता है वो। और बहुत सारे केसेस में 155C में लोग टर्मिनेट भी हुए हैं, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस भी हुई है। अगर बाला अफसरान इस बात पे कान नहीं धरते तो फिर क्या? अगर कान नहीं धरते तो कोर्ट्स हैं आपके पास, यू कैन गो टू कोर्ट। अगर कोई भी बंदा एग्रीव्ड है, आला ऑफिसर जो है वो उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, कभी भी कोई भी बात व्यूवर्स से मैं शेयर करना चाहूँगी कि आपको कहीं कोई तकलीफ है, आपने ज़ुबानी किसी फोरम पे कोई बात नहीं कहनी है, ऑलवेज़ आप रिटन फॉर्म में अपनी रिक्वेस्ट, अपनी कंप्लेंट उसको फॉरवर्ड कीजिए। कोई भी अगर आपको कंप्लेंट है किसी से भी, अगर पुलिस ऑफिशल्स के अगेंस्ट है या किसी बंदे से भी है, तो आपने हमेशा अपनी रिक्वेस्ट जो है इन राइटिंग फॉरवर्ड करनी है ताकि आपका अदालत तक जाने का रास्ता आसान हो। अगर आला अफसरान आपकी बात नहीं सुनते तो आप अदालत में जाएं, उन आला अफसरान के खिलाफ 22A 22B की प्रोविजन मौजूद है, हाई कोर्ट में रिट की प्रोविजन मौजूद है, तो वहाँ पे आपकी दादरसी ज़रूर होगी। और अगर वहाँ से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो कंप्लेंट आपके पास रेमेडी मौजूद है, आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसे इस्तगासा कहते हैं। तो आपके पास कानून में आपकी दादरसी के लिए बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, सिर्फ आपका उन तक सही तरीके से पहुँचना ज़रूरी है। और इसके लिए जो बात मैंने इब्तदा में प्रोग्राम में कही थी कि जब भी आपके साथ कोई ज़्यादती हो तो इमीडिएटली आपने अप्रोच करना है और इन्फॉर्म करना है अपनी ज्यादती के बारे में कि मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है, ताकि आपका जो है वर्शन वो रजिस्टर्ड हो जाए और बाद में ये ना आए कि आपने प्लान करके किसी को फंसाया। उसमें भी फिर फायदा मिलता है दूसरी पार्टी को। आजकल एक फैशन चल रहा है कि किसी से चेक लिया जाता है या किसी का चेक चुराया जाता है या कोई गारंटी चेक लिया जाता है, पैसे ले लिए जाते हैं, उस पर FIR करवा दी जाती है। मैं ये चाहूँगा आप व्यूअर्स को ये बताएं कि 489F बेसिकली है क्या? देखिए 489F जो है वो बेसिकली है कि आपकी कोई जिम्मेदारी है किसी की तरफ या आपने किसी से उधार लिया है। मेनली तो जो कानून में वजह किया गया ये था, आपने लोन लिया है किसी से और उस लोन के बाद आपने फॉर फुलफिलमेंट ऑफ डैट ऑब्लिगेशन आपने वो चेक इशू किया है, और सब्सिक्वेंटली जब आप उसकी पेमेंट नहीं करते और दूसरा बंदा उसको प्रेजेंट करता है बैंक में और वो डिसऑनर हो जाता है, तो डिसऑनेस्टली जो आपने वो चेक इशू किया था टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 489F को। अब 489F जो है वो उसका पॉजिटिव यूसेज भी है और नेगेटिव भी है। मैं इसमें व्यूवर्स को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि जब भी आप चेक दें तो उसमें आप सोच समझ के दें चेक कि वाकई आपने इस शख्स की इतनी रकम देनी है। अगर आप गारंटी चेक दे रहे हैं तो या तो उस चेक की बैक पे आप लिखें कि हम ये बतौर गारंटी दे रहे हैं, या आप एक सेपरेट तहरीर बना लें जिसमें लिख लें कि ये चेक इसके गारंटी के तौर पे दिया जा रहा है और डायरेक्ट कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, उसका आपको सब्सिक्वेंटली बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी आप चेक इशू कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप विदाउट डेट या विदाउट पेमेंट फुलफिलमेंट आप चेक ना इशू करें, क्योंकि चेक इशुएंस का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का, पर्टिकुलर डेट का, पर्टिकुलर बंदे को चेक दे रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है जो आपने बात की कि उसका नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है, जैसे चेक चुराने की बात हुई कि बिजनेस पार्टनर्स हैं, चेक बुक्स पड़ी होती हैं, एक दूसरे की चेक बुक्स ले लेते हैं, या फाइड्यूशरी रिलेशनशिप में चेक साइन करके एक दूसरे को दे दिए जाते हैं और सब्सिक्वेंटली जब आपकी रिलेशनशिप ख़राब होती है तो वो नेगेटिवली यूज़ किए जाते हैं, तो उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मौजूद है। लेकिन जो चेक देने वाला है उस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि इस ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सिर्फ चेक देना और उस चेक का डिसऑनर हो जाना, इस हद तक एविडेंस वैसे काफ़ी है इनिशियली ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। बाकी बातें तो एविडेंस में आएंगी कि आपने कुछ देना था कुछ नहीं देना था। इसलिए आप जब भी किसी को चेक इशू करें आप सोच समझ कर करें, डेट डाल के, अमाउंट लिख के, तो फिर चेक इशू करें। अगर गारंटी चेक दे रहे हैं तो फिर भी उसके बारे में लिखें।
तो इससे ये होगा कि आपको कल को एक डिफेंस भी मिल जाएगा और आप महफूज रहेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन से। अभी आखिर में आप जो एसटीएन के व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए आपकी जानिब से कोई कानून की मावनत के हवाले से आप उनको क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? आप लाहौर में हम आपके साथ मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे फिर रहे हैं और उनको बावजूद पैसे खर्च करने के, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग वकील नहीं होते वकला का नाम इस्तेमाल करके जो कारोबार, बहुत सारे हैं जो सहाफ़ी नहीं है वो सहाफ़ियों का नाम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह बहुत सारे एजेंट्स जो दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं और लोग जो हैं वो दादरसी नहीं हो रही, उनको कानून का सही जो है वो कानून दान फराहम नहीं हो रहे, तो वो क्या करें उसके लिए आपकी तरफ से उनके लिए क्या होता? उसके लिए देखें बात यह है कि एक तो ये कि वो बिल्कुल मार्केट विजिट करें और उसमें देखें कि जो अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उन तक अपना मुकदमा लेके जाएं और जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसका इंतखाब करें ताकि अगर वो पैसे खर्च करते हैं तो उनके पैसे ज़ाया ना हों और वो जिस मकसद के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं उन्हें वो रिलीफ मिल सके। और बाकी ये है कि आप देखें कि ऐसे नॉन फिगर्स जो वाकई में लोगों को डिलीवर कर रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें और अगर फिर भी कोई उन्हें नहीं मिलता है तो एसटीएन के व्यूवर्स के लिए मेरी खिदमात मौजूद हैं, बुशरा कमर लॉ फर्म के नाम से मेरी फर्म है, चुबुरजी चौक में मेरा ऑफिस है, तो मैं उनकी सर्विसेज के लिए हाजिर हूँ ऑल टाइम्स और कोशिश करेंगे कि मशवरा जो है वो अल्लाह ताला की अमानत समझते हुए उन्हें बेहतर मशवरा दें और उनके केस की बेहतर तरीके से पैरवी करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और व्यूअर्स के लिए एक बड़ी ऑफर दी, तो आप हम आपसे आपका कोई ऑफिशियल नंबर लेंगे जिस पे लोग आपसे रब्ता करें तो वो प्रोग्राम के एंड पे मैं एडिटर से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस नंबर को स्क्रीन पे दे दे ताकि लोगों को जो है वो खिदमत खलक के हवाले से उनको को फ़ायदा हो सके। जी बिल्कुल, और कोई ऐसे अगर नीडी लोग हों तो उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विसेज जो हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी मेरी तरफ से ऑफर है, लेकिन इसके लिए उनका नीडी होना ज़रूरी है, मेरी सेटिस्फेक्शन हो कि ये बंदा वाकई डिज़र्विंग है और ही इज़ नॉट इन दिस कैपेसिटी टू पे और उसकी ग्रीवेंस जेन्युइन होगी तो हम उसकी रिड्रेसर के लिए भी उसको सपोर्ट करेंगे। आपकी ये बड़ा पन है आपका और एक आपकी तरफ से बड़ी ऑफर है और मैं व्यूअर से इस बात की दरख्वास्त करूँगा कि आपके इर्द गिर्द अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो बजाय इसके कि आप झूठ बोलकर एक नई ज्यादती अपने आप के साथ करें, तो वाकई अगर कोई नीडी पर्सन है तो नंबर हम स्क्रीन पे दे रहे हैं तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, तो बाद अज सेटिस्फेक्शन, ये दीन हमारा दीन इस्लाम में भी यही है कि पहले आपने अपनी तसल्ली करनी है फिर किसी की मदद करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया और देखते रहें प्रोग्राम, नेक्स्ट संडे को हम फिर हाजिर होंगे बुशरा कमर एडवोकेट साहब के साथ और इनसे मजीद कवानीन के बारे में जानेंगे और जो जनरल जो चल रहा है करंट अफेयर उसमें जो कवानीन है, जो चीज़ें सामने देख रहे हैं आप टीवी की स्क्रीन पे देखते हैं उसके बारे में आपको नहीं पता कि ये क्या देख रहे हैं आप, कानून के मुताबिक वो चीज़ें क्या हैं ये हम इनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।